डिवाइस करता है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के प्रोविजन पीछे से चलते हैं तो देखो क्या बोल रखा है तब सर रजिस्टर की बात करें तो मेंबर इंस्पेक्शन कर सकता है ड्यूरिंग बिजनेस हार्स देखो चौबीस घंटे नहीं बिजनेस हार्स में कर सकता है और मेंबर इंस्पेक्शन कर सकता है सी मेंबर को तो अभी इंस्पेक्शन करने का था नहीं पर बिजनेस हार्स में इंस्पेक्शन कर सकता है कैप्टन नेट ए जी एम तो क्या इंस्पेक्ट करना है रजिस्टर अरे ये बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रही रजिस्टर डायरेक्टर का रजिस्टर के एम पी का रजिस्टर पर इंस्पेक्ट करना है तो भैया करो उसकी शेयर होल्डिंग का देखना है तो देखो अगर आप इंस्पेक्ट कर रहे हो तो बिजनेस हाउस में करो और अपने आप कैप्ट ओपन एंड ए उसको ए में ही ओपन ठीक है कैप्ट ओपन एंड ए जी एम तो रजिस्टर जो है इस अफर तो इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होना चाहिए साथ ही साथ कप्ट ओपन एंड ए जी में भी होना चाहिए उसका राइट है वो एक्स्ट्रैक्ट कॉपी ले सकता है और राइट है और उसको तीस दिन में प्रोवाइड कर दो वो अगर नॉट प्रोवाइड तो वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को देगा ये बोलेगा कि देखो ये लोग मेरे को दे नहीं रहे ठीक है तो जो कॉपीज़ है वो जो है आपको तीस दिन में प्रोवाइड कर देंगे तो रजिस्ट्रार जो है इमीजिएट इंफेक्शन ऑर्डर कर देगा इमीजिएट इफेक्शन ऑर्डर कर देगा और कर देगा बोलेगा क्या है दो इनको और कॉपी जो है वो तीस दिन में देंगे और अगर नहीं दी चलो नहीं दी तो वही रजिस्ट्रार को अप्लाई करेंगे और वो इमीजिएट इंफेक्शन की बात करेगा सिंपल सी बात यही है ये यह गवर्नमेंट कंपनी पर नहीं लगता मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी को ऐसे जो या अपनी ये, ये बिज़नेस हाउस में करना है ये आप अप्लाई करोगे तो ये सब गवर्नमेंट कंपनी पर नहीं लगता ठीक है और पचास से पाँच लाख तक की पेनल्टी ऑफ कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को और ये इंस्पेक्शन की बात है जो ये गवर्नमेंट कंपनी के रिस्पेक्ट में नहीं लगता बात कर रहे वन की ओके चलो वन की बात करते हैं क्या रहे है? बोल रहे हैं कि वन सेवेंटी सेवेंटी वन दो रजिस्टर की बात कर रहे हैं अब भाई वन सेवेंटी वन क्या बोल रहा था वन सेवेंटी वन बोल रहा था भैया के एम पी डायरेक्ट का रजिस्टर तो ये भी यही है रजिस्टर ठीक है रजिस्टर के कंटेंट होता है और कुछ एडिशनल कंटेंट होता है ये गवर्नमेंट कंपनी पे ये भी नहीं लगता अगर हम बात करें रजिस्टर के कॉन्टेंट तो सिक्योरिटी जो हेल्थ करके रखी इनने तो रजिस्टर तो रजिस्टर ऑफिस में रखा जाएगा रजिस्टर रजिस्टर ऑफिस के लिए रखा जाएगा और नीचे इंस्पेक्शन की बात कर रहा था देखो ये इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन करना तो रही बात है तो रजिस्टर की तो ये रजिस्टर ऑफिस में रखा जाएगा ठीक है बस एजियम में प्लेस होगा और इंस्पेक्शन बिजनेस हाउस हो में होगा सिक्योरिटी जो हेल्ड कर रहा है डायरेक्टर ठीक है जो सिक्योरिटी हेल्ड कर रहा है वो कंटेंट और एडिशनल कंटेंट ये है कि विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी जो है एडिशनल कंटेंट जाएगा कंपनी जो है डी आई में रिटर्न फाइल करेगी तीस दिन में टू द रजिस्टर क्या बोला डी आई में रिटर्न जो है तीस दिन में फाइल करेगी रजिस्टर को ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के एम पी के डायरेक्टर के एम का अपॉइंटमेंट करा है वह तीस दिन के अंदर डायरेक्ट और के एम का अपॉइंटमेंट करा है तो अपॉइंटमेंट के तीस दिन के अंदर वो रिटर्न फाइल कर देगी रजिस्ट्रार में एजीएम से नहीं जैसे अपॉइंटमेंट किया ना डायरेक्टर के एम पी का तीस दिन में या जैसे चेंज हुआ तीस दिन में बता दिया रजिस्ट्रार को तो देखो रजिस्ट्रार में तो अमेंट करना ही पड़ेगा जो भी तु तुमको अमेंट करने का पर रिटर्न भी तीस दिन में तुमको रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा ठीक है सिक्योरिटीज़ के बारे में डाल देना हो गवर्नमेंट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता है अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर को रिमूव करते फटाफट फट टाफट पड़ते हैं ठीक है गवर्नमेंट कंपनी वो दोनों सेक्शन नहीं अपलिकबल हो रहे थे कंपनी के रिमूवल की बात करें तो रिमूवल जो है सबसे पहले एलिजिबल मेंबर एलिजिबल मेंबर को स्टैचू राइट right है रिमूव करने का तो रिमूव कर सकते हैं रिमूव हो सकते हैं अब एलिजिबल मेंबर को स्टैचू राइट right है कि वो रिमूव कर सकते हैं तो सिंपल साथ है स्पेशल नोटिस जाएगा वन परसेंट ये रिमूव की बात करें रिटायरिंग मतलब कि टेंडर ख़त्म हो गया अब उसको जो है टेंडर ख़त्म हो गया है अब इसके जो है वो रिमूवल नहीं होता वो रिटायरिंग होता है रिमूवल मतलब टेंडर के पहले ही द स्पेशल नोटिस वन परसेंट ऑफ वोटिंग पावर बेटर कैपिटल पांच लाख स्पेशल नोटिस का क्राइटेरिया ठीक है और स्टैचू राइट है आर्टिकल ओवर नहीं कर सकता क्योंकि ये स्टैचूटरी राइट right है ना तो आर्टिकल ओवर नहीं कर सकता स्टैचु राइट right है अब ये स्पेशल नोटिस देंगे तीन महीने से चौदह दिन तक का ग्राउंड की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है एलआईसी वैसे एस्कॉर्ड में बोल के रखा है ये स्पेशल नोटिस साइन बाय मेंबर होगा और uh, जो है डिमोल ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग बोर्ड मीटिंग तो रिमोअल ऑफ डायरेक्टर दोनों में ठीक है ना और रिबूअल सारी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है अब देखो कंपनी के पास गई चीज़ें कंपनी डायरेक्टर को देगा वो बोलेगा कि डायरेक्टर को राइट टू बी हर्ड है इन रिस्पेक्ट दिस, ऑफ माइट्रेस ठीक है तो अपना रिप्रेजेंटेशन देगा और रिप्रेजेंटेशन अगर कभी लेट गया है तो उसका रिप्रेजेंटेशन को ए में पढ़ लेगा ठीक है डायरेक्टर को राइट टू बी हर्ड है कि उसको उसको सुना जाएगा ठीक है वो अपना रिप्रेजेंटेशन देगा ठीक है तो अगर रीड आउट कर दिया जाएगा अगर लेट हो गया तो रही बात हैश की तो अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में हैश रखा है ठीक है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा तो नो टाइम नो नॉट टाइम डिसेंट ठीक है तो जनरल मीटिंग में रीड कर लेंगे पर डीफी एंट्री वो डेरोगेटरी मार्के तो वो तो नोटिस रात भी नहीं जाएगा और इनफैक्ट रीड भी नहीं होगा ठीक है और कॉस्ट वी बाय बाई डायरेक्टर एप्लीकेशन कॉस्ट जो है वी बाय बाई डायरेक्टर ठीक है अब वेदर वो पार्टी हो नहीं हो एप्लीकेशन कॉस्ट तो जो है बी बाय डायरेक्टर ठीक है अब ये ये तभी होगा ये सब तभी होगा डिफेमेटरी ये सभी होगा जब एग्री पर्सन या कंपनी एग्री पर्सन ने एप्लीकेशन दी ट्रिब्यूनल को ट्रिब्यूनल सेटिसफाई होता है कि डेरोगेटरी ए... डेरोगेटिक है तुम नहीं ट्रिब्यूनल सेटिसफाई होगा ठीक है तब जाके होगा ऐसा और जो भी है डेज जितने भी डेज में देना है तो एक्सक्लूडिंग डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस और डेट ऑफ जी ठीक है सेंडिंग रिप्रेजेंटेशन एंड डेट ऑफ ये एक्सक्लूड होता है ठीक है तो अगर बात करें तो सेवन क्लियर डेज तो तो क्या बात कर रहे हैं कि सात क्लियर डेज ठीक है अगर हम बात करें दो कंपनी कंसे जो है सेवन क्लियर डेज जैसा वो क्लियर डेज के बारे में बताया सेवन क्लियर डेज जो है वो स्पेशल नोटिस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और स्पेशल नोटिस देखो स्पेशल नोटिस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उसका और स्पेशल नोटिस टू अपॉइंट अनादर ठीक है वो कि जनरल मीटिंग नहीं हो रही है तो वैकेंसी हो जाएगी ठीक है तो ये तो ये तो रिमूव हो रहा है ठीक है और स्पेशल नोटिस टू अपॉइंट अनादर जब हम किसी दूसरे को अपॉइंट करें तो उसने रिप्रेजेंटेशन दिया और किसी हम दूसरे को भी अपॉइंट करें तो उसका स्पेशल नोटिस उसका टेनर जो होगा वो अनएक्सपायर्ड टर्म तक के लिए वो 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 अपॉइंट रहेगा फिर फिर अपन डायरेक्ट अपॉइंट कर ही देंगे ना वो अनएक्सपायर्ड टर्म खत्म होने के बाद ये अनएक्सपायर्ड टर्म है ठीक है ये अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए उसको अपॉइंट करे इसको रिमूव कर दिया इसका बचे हुए टर्म के लिए कोई दूसरा आएगा ठीक है डायरेक्टर ठीक है और जनरल मीटिंग नहीं है तो फिर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी फिर फिल करो वन सिक्सटी वन फोर जैसे रिमूवल एट जनरल मीटिंग ओ आर ओ है सर ठीक है तो क्या लिखा हुआ है कि रिमूवल ऑफ जनरल मीटिंग ठीक है डायरेक्टर को रिमूव करो जनरल मीटिंग में कौन से डायरेक्टर को नहीं कर सकते हैं रिमूवल तो रिमूवल जो है अपने ओ आर बी बढ़ा और एस आर बी बढ़ा ठीक है एस आर के लिए वो सेकेंड टर्म के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेकेंड टर्म के लिए ठीक है ये तो हो गया अपना और प्रोटीन तो प्रपोशन रिप्रेजेंटेशन टी से है ट्रिब्यूनल और एन से नॉमिनी डायरेक्टर स्पेशल एक्ट वाले ठीक है भैया प्रोटीन हो गए और ये अपने बात करी पूरी तो इधर है कंसिस्ट फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो जाएंगे जाएंगे और क्लियर डेज रहेगा सेवन बेटअप कैपिटल ये सब हो गया ठीक है सेलियंट क्या है रिमूवल ऑफ एम डी दस नॉट बी रिवोल ऑफ डायरेक्टर अच्छा एम डी से रिमूव कर इसका नहीं डायरेक्टर से रिमूव कर दिया है आप ओरिजिनल डायरेक्टर जैसे कंटिन्यू कर लो एंड डायरेट इन केस रिमूवल आज फॉर कम्पनिसन कम्पेंेशन ठीक है of तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्ट्रिक्श अंडर सेक्शन टू थ्रो टू तो अन एक्सपायर टर्म्पेंसेशन मिल जाएगा लॉस ऑफ ऑफिस मिल जाएगा सब्जेक्ट टू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको जो है मिलेगा अब रिमूवल की बात करें तो कुछ इधर समझ में लिखा है आर्टिकल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी ऑल्सो ट्रोवाइड डेट ही कैन नॉट भी रिमूव आई देंबर इन जनरल मीटिंग तो कंक्लूशन ये प्रोवेशन जो है कॉन्ट्रेरी है तो क्या बोला के रखा है ए ओ ये बोलता है ट्रॉय डेट ही कैनॉट भी रिमूव बाई मैंबर इन जनरल मीटिंग ए ओ ये बोलता है कि ये तो रिमूव ही नहीं हो सकता है प्रपोज एक्शन बाईर रिमूव तो करेगा आर्टिकल वार्टिकल बोले तो कोई अब को फर्क नहीं पड़ता ठीक है इफ कंपनी कैन रिमूव बहुत इंडिपेंडेंट डायटर हाउ वे टू रिमूव मिस्टर रिमूवेज कंपनी कैन रिमूव टू स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए सैमेंटेसली कंपनी साइमटेरी रिक्वायर टू अपॉइंट टू इंडिपेंडेंडेंटेंटेंटेंटेंटें डायरेक्टर फर्स्ट फो फिल द्वारा फोर नाइन फोर डर ठीक है और uh, जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर सेकेंड स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है वही है चीज़ और कुछ उसमें खास नहीं था वन सेवेंटी टू क्या बोल रहे हैं अप्लाई टू तो रजिस्ट्रार वन सेवेंटी टू क्या बोल रहे हैं वन सेकेंड ओके गलती से आ गया ठीक है ना सो काट देते अपन ये गलती से है ठीक है ये वन सेवेंटी अच्छा ये वापस से आ गया है पर्टिकुलर पॉइंट ठीक है चलो नॉमिनी डायरेक्टर रिमूवल वन सेकेंड अच्छा ये पीछे हो गया था क्या अच्छा रिमूवल ये वापस से ये चीज़ें आ गई है ठीक है नॉमिनी डायरेक्टर पड़ता है तो अगर नॉमिनी डायरेक्टर की बात करें तो समझो भाई बैंक थर्ड पार्टी अपॉइंट कर दी नॉमिनी डायरेक्टर तो थर्ड पार्टी में अपॉइंट कोई जरूरी नहीं नॉमिनी अपॉइंट करना क्या के लिए अपॉइंट कर दिए ऑथोराइज आर्टिकल सबसे पहले अगर जो है ऑथोराइज बाय आर्टिकल होना चाहिए तो ऑथराइज बाय आर्टिकल तो बोर कंपनी जो है बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है नॉमिनी देखो उन्होंने आपको पैसे दिए तो सबसे पहले वो नॉमिनी को अपॉइंट करेंगे क्या के लिए देख रेख करने के लिए कि तुम जो है पैसे का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो अब अगर बात करें तो आर्टिकल का ऑथराइजेशन नीड है अब बोर्ड भी अब खुद भी अपॉइंट कर सकता है बोर्ड अपॉइंट कर सकता है तो डायरेक्टर नॉमिनेटेड जो है उन्होंने कराया तो बोर्ड अपॉइंट कर देगा तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से जो है ऑथोराइजेशन चाहिए ठीक है अब डायरेक्टर नॉमिनेटेड ठीक है तो डायरेक्टर जो नॉमिनेटेड है उसको अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर एज पर कंपनी पर दी एग्रीमेंट विद दी तो देखो बोर्ड अपॉइंट कर सकता है या तो जो नॉमिनेट करा है उसमें से या तो एग्रीमेंट है डायरेक्टर एज पर एग्रीमेंट विद इंस्टीट्यूशन ठीक है तो कंपनी ने एग्रीमेंट करके रखा है इंस्टीट्यूशन से ठीक है तो इंस्टीट्यूशन से एग्रीमेंट करके रखा है या ठीक है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा नॉमिनेटेड में से या तो एग्रीमेंट है विद इंस्टीट्यूशन ठीक है तो डायरेक्टर जो नॉमिनेटेड है एज पर दी लॉ उसको चूज करेंगे या एज पर दी एग्रीमेंट जो है कि इसको अपॉइंट करने का है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बाय वर्ष ऑफ शेयर होल्डिंग अब इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट कंपनी में तो अपॉइंट करेगा डायरेक्टर गवर्नमेंट कंपनी में उसने अपॉइंट किया डायरेक्टर गवर्नमेंट कंपनी में ठीक है क्या के लिए कि वो लोन कंडीशन तुम कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इंटरेस्ट जो है जो पैसा है वो डेटमेटेड टू तो इंटरेस्ट ऑफ तो पब्लिक तो नहीं है कंपनी के बेनिफिशियल के लिए है तो विजिलेंट है कि नहीं हो तुम कम्प्लाइंस ऑफ लॉ कर रहे कि नहीं कर रहे हैं सेफ गार्डिंग ऑफ फंड ये सब के लिए ताकि क्योंकि तो उन्होंने लोन दिया ना तो वो सेफ गार्डिंग ऑफ फंड है ना कि हमको भी देखा और होगा कि नहीं होगा कंपनी यूटिलाइजेशन सही तरीके से कर रही कि नहीं कर रही पब्लिक इंटरेस्ट में कर रही कि नहीं कर रही ठीक है तो ये सब चीज़ें हैं ठीक है तो नाक बोल दिया तो नाक क्या है नॉमिनेटेड है उसको या तो एग्रीमेंट है या तो गवर्नमेंट कंपनी तो नाक तरीके से एक तरीके से ये बोल दिया कि नाग है अब आती स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की अच्छा था ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में अभी हम ये भी देख लेते हैं तो क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो तो जो था उसमें अपन ने ये सब चीज़ें कवर कर ली थी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के पहले वाला जो है पॉइंट्स ये पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बचता है चलो ठीक है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर देखते हैं ओके क्या बोल रहे हैं वन फिफ्टीन डज नॉट प्रिस्व एनी एलिजिलिटी क्राइटेरिया टाइप ऑफ शेयर होल्डिंग इन द कंपनी अपॉर्डेट स्मॉल शेयर होल्डेड डायरेक्टर तुमको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना है ना तो भैया कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं कि तुमको इतने शेयर शेर को होल्ड करने ही पड़ेंगे तो क्या ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं ठीक है सबसे सा पहले स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आप देख सकते हो दो कंपनी बन सकते हैं सेकंड कंपनी जो है उसका कॉम्प्ल्टिव बिजनेस या कंफ्लिक ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए पार्ले भी हो तो सर्विस में नहीं बन सकते जो भी है चलो अगर हम बात करें तो लिस्टेड कंपनी है लिस्टेड कंपनी अब देखो लिस्टेड कंपनी की बात करें सिर्फ लिस्टेड कंपनी की बात करें लिस्टेड कंपनी जो है क्या बोल रहे हैं ये कि सिंपल सी बात खुद से अपॉइंट किया ओन से ठीक है खुद से अपॉइंट कर लो या तो स्मॉल शेयर होल्डर ने स्पेशल नोटिस दिया क्या हमारा डायरेक्ट अपॉइंट करो स्पेशल नोटिस दिया स्टेटमेंट के साथ प्रपोज अ पर्सन एज अ कैंडिडेट उसने कैंडिडेट को प्रपोज किया प्रपोज अ पर्सन एज अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर ठीक है तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना है प्रपोज अ पर्सन एज अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसडी तो एसएसडी की पोस्ट के लिए करा तो स्पेशल नोटिस दिया बकायदा स्पेशल नोटिस इधर भी आएगा और अभी इधर स्पेशल नोटिस क्या तो जैसे उधर स्पेशल नोटिस क्या था वन परसेंट वोटिंग पावर या मेम्बर होल्डिंग एक्टिव साइड लैक्स ये था अपना इधर क्या स्पेशल नोटिस दिया स्मॉल शेयर होल्डर ने ठीक है हजार शेयर होल्डर यह वन ऑफ टोटल टोटल का वन टेन हज़ार शेयर होल्डर इसकी नॉमिनल वैल्यू स्मॉल शेयर होल्डर है नॉमिनल वैल्यू बी सी आ रही है उससे कम होनी चाहिए ये नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए ये मेंबर नहीं हो नहीं चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर होने चाहिए मैंबर नहीं ठीक है तो मेंबर की बात नहीं करें स्मॉल शेयर होल्डर की बात करें ध्यान रखना ठीक है अब देखो चौदह दिन का देंगे चौदह दिन का स्पेशल नोटिस देंगे सबके सबके साइन है ठीक है कंसर्ट में नेम एड्रेस नंबर ऑफ शेयर देखो ये नेम है ये एड्रेस है नंबर ऑफ शेयर और स्मॉल शेयर होल्डर देखो अपने ही बारे में भी बात करेंगे कि हम नोटिस दे रहे हैं देखो हमारा नाम है हमारा इतना होल्ड करते हैं हमारा एड्रेस ये है और हम जिसको अपॉइंट कर रहे हैं हम इसका स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का भी तो स्पेशल नोटिस दे दिया अब डिस्टेट कंपनी जो है मे उसको करना तो करे निकलना तो नहीं करे डी आई ट्वेल्व तो सबसे पहले तो अपॉइंट कर देगी डी आई ट्वेल्व में जो है रजिस्ट्रार को बता देगी तीस दिन के अंदर अब जो है अपॉइंट किया एस एस डी को एस एस डी में हैश दे के रखा है तीन साल के लिए अपॉइंट करेंगी ठीक है एक अपॉइंटमेंट तीन साल तक चलता है ठीक है जनरल मीटिंग में अपॉइंट होना तो करती है ये जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं करते हैं इसको और जो भी है एस एस डी जो है डी आई टू में अपनी कंसेंट दे देगा कंसेंट डी आई टू में जाती है और वन सिक्सटी वो वन सिक्सटी सेवन की जो वैकेंसी भी अट्रैक्ट होती है वन फोर्टी नाइन सिक्स का वायलिशन ठीक है वैकेंसी हो जाएगी सॉरी वैकेंसी हो जाएगी अगर वन सिक्स वन सिक्सटी वन सिक्सटी सेवन एट्रैक्ट हो रहा है तो जैसे ही अट्रैक्ट हो गया ठीक है वो वन फोर्टी नाइन सिक्स वाइडिशन कर दिया तो वैकेंसी हो जाएगी एक्सेप्शन ये है अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है अपॉइंट करना सबसे पहले तो एक चीज़ तो ये और नॉमल वैल्यू है मेंबर की बात कर रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं अब जो है स्टेटमेंट स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए स्टेटमेंट में होना चाहिए कि वो साइन बाय प्रपोज डायरेक्टर बकायदा बी एस सी बी एस सी क्या होगा तो डिक्लेरेशन साइन और कंसेंट डिक्लेरेशन दिन ठीक है कंसेंट डिक्लेरेशन साइन और कंसेंट और डिक्लेरेशन के साथ डिन तो डी में क्या बोल रहा है भैया डिन होना चाहिए ये प्रपोज डायरेक्टर जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं प्रपोज डायरेक्टर भैया इसका साइन अच्छा ये इसका भी तो डिक्लेरेशन होगा ना साइन बाय प्रपोज डायरेक्टर कि देखो हाँ ये मेरे को अपॉइंट करे देखो मेरी साइन और इसमें मेरा डिन ये है कंसप्ट ऑफ डेक्लेरेशन कि मैं डेक्लेशन दे रहा हूँ कि मैं डिस्कॉलीफाइड नहीं हो मैं कंसेंट दे रहा हूँ फॉर अपॉइंटमेंट तो कंसेंट डी आई का है बकायदा वो चले जाएगा डिस्टेट कंपनी को तो भैया डी डिक्लेरेशन ठीक है डिक्लेरेशन साइन होना चाहिए प्रपोज डायरेक्टर की कंसेंट होना चाहिए तो so, डिक्लेरेशन होना चाहिए उसका साइन होनी चाहिए उसकी कंसेंट होना चाहिए डी एस सी डिक्लेरेशन साइन कंसेंट और डिन होना चाहिए उसके पास ऑब्वियस ही बात है ठीक है 164 सिक्सटी फोर एप्लीकेबल टेन थ्रीटिव एस एस टी इज नॉट रोटेशनल डायरेक्टर वो रोटेशनल डायरेक्टर भी नहीं है री अपॉइंटमेंट भी नहीं हो पाएगा उसका रीअपॉइंटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा फॉर द लाइफ टाइम नहीं होगा ठीक है तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर में आता है रोटेशनल डायरेक्टर और डी अपॉइंटमेंट तो नहीं होगा रोटेशनल तो नहीं होगा कि भैया रोटेट होगा डी अपॉइंटमेंट नहीं होगा डी अपॉइंटमेंट तो नहीं होगा पर हाँ डी अपॉइंटमेंट दूसरे के लिए हो सकता है दूसरे डायरेक्टर के लिए हो सकता है पर डी अपॉइंटमेंट ऐसे स्मॉल शेड्यूड डायरेक्टर तो नहीं हो पाएगा नंबर ऑफ़ डायरेक्टर की डेफिनेशन उसमें आता है फोर्टीन डेज जो है उसमें क्लियर डेज होने चाहिए मीटिंग की डेट नहीं लेते हैं नोटिस भेजने की डेट ले लेते हैं अच्छा फोर्टीन डेज में सर इधर जो मीटिंग है मीटिंग की डेट नहीं लेंगे नोटिस भेजने की डेट लेंगे और इधर रिमूवल में तो दोनों की डेट नहीं लेते ठीक है अब इधर स्मॉल शेयर होल्डर इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ठीक है ये फुलफिल करे सारी कंडीशन ठीक है वोटिंग के टाइम स्मॉल शेयर होल्डर वोटिंग के टाइम देखो स्मॉल शेयर होल्डर वोटिंग के टाइम क्योंकि हज़ार शेयर होल्डर या बनता है टोटल स्मॉल शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि भैया ठीक है यार अपॉइंट करो एक्स को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को ठीक है फिर भी लिस्टेड कंपनी को जरूरी नहीं है पर रिमूवल के टाइम तो ओ आ और एवरी तो रिमूवल के टाइम तो वहा लग जाएगा इसको रिमूव कर रहे हैं तो वहा लग जाएगा ठीक है इसमें ऐसा है और जो है तो डिस्कालीफिकेशन की बात करें तो ऐसा है कि स्मॉल शेडोल्डर डायरेक्टर शेल नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ तीन साल फ्रॉम द डेट सीज टू होल्ड ऑफिस एज अ स्मॉल होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता थ्री साल तक इन अ कंपनी बी अपॉइंटेड और टू बी अपॉइंटेड विद सच कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना तो एस एस डी हो सकता है ना तो किसी कैपेसिटी से एसोसिएट हो सकता है ठीक है और जो है अगर ना तो जो है एस जो है तीन साल तक वो सीज टू होल्ड एस जैसे भी एसोसिएट नहीं हो सकता और सीज टू होल्ड ऑफिस एज अ स्मॉल शेल्डर डायरेक्टर ठीक है तो स्मॉल शेल्डर्ड डायरेक्टर शेल नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सीज टू होल्ड किसी भी कंपनी से एसोसिएट नहीं हो सकता किसी अदर कैपेसिटी में देखो अदर डायरेक्टली इंडायरेक्टली किसी भी अदर कैपेसिटी में नहीं हो सकता एस एस तो लाइफ टाइम डिस्कवालीफिकेशन है तो एस की डिस्कालीफिकेशन लाइफ टाइम है पर वो जो है वो वो नहीं हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा किसी दूसरी कंपनी से एसोसिएट नहीं हो पाएगा किसी कंपनी से एसोसिएट नहीं हो पाएगा तीन साल तक ठीक है तो अब एडिशनल डायरेक्टर की हम बात करते हैं एक पावर शेयर होल्डर की तो हमने बात कर ली है एडिशनल डायरेक्टर क्या है कि उनको जब जरूरत पड़ रही है ठीक है तो मेंबर नहीं है वो तो बोर्ड अपॉइंट करता एडिशनल है एडिशनल डायरेक्टर नॉमिनी कैजुअल बोर्ड मीटिंग है आरबीसी से अपॉइंट हो जाता है जनरल मीटिंग में नहीं होता पर पावर चाहिए आर्टिकल से आर्टिकल से पावर चाहिए तभी जाकर बोर्ड अपॉइंट करता है एडिशनल डायरेक्टर में आर्टिकल से पावर चाहिए एडिशनल डायरेक्टर में ठीक है भाई तुम एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करो आर्टिकल से पावर लो ठीक है अब एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंट जो है वैलिड हो जाएगा अगर जो है वही दिन हो ठीक है साइन हो देखो भाई दिन हो कंसेंट दे दी है उसने ठीक है दिन हो बी आई टू बी आई एड सिक्सटी फोर दिन हो डिस्कालीफाइड नहीं हो ठीक है और कंसेंट दे है टू में और कंपनी ने दे दी है रजिस्टर आपको ट्वेल्व में तो दिन हो डिस्वालीफाइड नहीं हो और डी आई टू हो डी ट्वेल्व ठीक है अब क्या बोला है इंपॉर्टेंट है, be, अच्छा, ही है. Fails, भी जो में फेल हो गया तो उसको बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट ना करेंगे एडिशनल डायरेक्टर अब टेन क्या है एडिशनल डायरेक्टर कैन नॉट बी टीटर्स रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होता डायरेक्टर क्योंकि जो फेल टू अपॉइंट जनरल मीटिंग है फेल टू अपॉइंट इन जनरल मीटिंग वो वो ठीक है वो फेल वो जनरल बी में उधर फेल हो गया तो इधर वो अपॉइंट नहीं कर सकते ठीक है टेनर होता है उसका नहीं देखो रिटायरिंग डायरेक्ट इसके नहीं होता है रिटायरिंग डायरेक्ट का नहीं होता क्योंकि उसका टेनियर भी एक्सपायर हो रहा था ठीक है तो रिटायर डायटा वो होता है जिसका टेनर है अभी और अब वो बीच में रिटायर हो रहा है ठीक है और वो वॉलेंटरी रिमूव नहीं कर रहा है इसको रिमूवल नहीं कर रहे वो रिटायर हो रहा है ठीक है तो अप टू नेक्स्ट एजियम ठीक है टेनियर है अब तो नेक्स्ट एजियम देता है ठीक है और भी नेक्स्ट एजियम नहीं हुई तो लास्ट डेट ऑन एजियम एज एन एजीएम अगर लास्ट डेट की बात हो रही है तो लास्ट डेट ही देखा जाएगा और रजिस्ट्रार एक्सटेंड कर सकता है लास्ट डेट वो भी एक क्वेश्चन में अपने देखा था फुलफिल सच वैकेंसी देखिए है अपने देखा है और फुलफिल सच वैकेंसी बाय और फुलफिल करता है वैकेंसी बाय अपॉइंटमेंट एडिशनल डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर दो वैकेंसी देखो तो सिंपल साध है वेकेंसी जो है फुलफिल तो करो तो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करो एज रेगुलर डायरेक्टर एडिशनल को ही तुमने तो रेगुलर अपॉइंट कर दिया ठीक है तो एडिशनल को ही तुमने जो है रेगुलर अपॉइंट कर दिया था तो आर्टिकल से पावर मिलती है बी एम आर बी सी में एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं जो फेल हो गया जनरल मीटिंग वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा ने, अपू तो नेक्स्ट ए जो है अगर हम बात करें तो अप टू तो नेक्स्ट ए उसका टेनर रहता है अगर जो है एजीएम नहीं हुई तो लास्ट डेट ऑनमेंट ए जी एम टू है खत्म हो गया रिटायर्निंग टेनियर खत्म हुआ है ठीक है न और हैविंग नॉलेज ऑफ 160 ठीक है क्योंकि एडिशन डायरेक्टर को अगर आप रेगुलर डायरेक्टर जैसे अपॉइंट करो तो एक सो साइट का नॉलेज होना चाहिए चेक लिस्ट ऑफ़ सेक्रेटरी की इंश्योर करना कि अपॉइंटमेंट वैलिड हो ठीक है और पर्टिकुलर्स भी एंटर होना चाहिए रजिस्टर में और एडिशनल डायरेक्टर को एम बनाया है तो भैयाडिशनल डायरेक्टर का तो ए में वो टेंडर खत्म हो जाएगा तो उसको एडिशनल डायरेक्टर को रेगुलर डायरेक्टर बना देना एक्ट टर्म एज वैलिड इवन इफ अपॉइंटमेंट इन वैलिड ड्यू टू डिवालीफिकेशन डिफेक्ट या टर्मिनेशन क्या बोलता है डी डी टी क्या बोलता है डिस्कवालीफिकेशन भैया डिस्कालीफिकेशन इन अपॉइंटमेंट एडिशनल डायरेक्टर ने काम कर बकाया था था अपॉइंटमेंट में या भी डिफेक्ट था अपॉइंटमेंट में वो डिसक्वालीफाइड था डिफेक्ट अपॉइंटमेंट में एड टर्मिनेशन बाई वर्चुअफ एक्ट तो दिस दैट डिस अच्छा दिस एंड दैट एंडिफिकेशन डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट टर्मिनेशन है तो ऐसे केस में जो है एक्ट पुराने वैलिड रहेंगे ये क्वेश्चन था वो अपने क्वेश्चन में बात कर ली कैजुअल वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो भाई कैजुअल वैकेंसी में क्या हो रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई एक्सप्रेस पावर नहीं है ठीक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई एक्सप्रेस पावर नहीं है एक्सप्रेस नहीं है पावर में आर्टिकल में तो नो एक्सप्रेस पावर नीडेड अच्छा कोई एक्सप्रेस पावर नहीं चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करेगा आर्टिकल में मैनर देख रहे रखा है तो वो फॉलो करेगा अगर मैनेज देख कर रखा है तो बी और जनरल मीटिंग में ओ ठीक है तो भैया सबसे कैंड अप्रूवल तो रखता है जनरल मीटिंग में हमने कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट किया तो आर से नहीं होता एडिशनल डायरेक्टर हो जाता होगा आर से ठीक है एडिशनल डायरेक्टर अपनी बात करिए कि बी और आर से हो जाता है कैजुअल वैकेंसी तो बोर्ड मीटिंग में ही होगी ठीक है अब कैजुअल वैकेंसी है तो अगर हम बात करें हमने आर बी में पढ़ा था कि कैजुअल वैकेंसी में ही जो है कैजुअल वैकेंसी में ही जो है बोर्ड मीटिंग में ही कैजुअल वैकेंसी होती है डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी वो अपॉइंट करते हैं तो भैया जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ वैकेंसी हो गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फिल करती है भैया वैकेंसी वो होती है जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया बोर्ड ऑफ जो है वैकेंसी होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फिल करी अब उसकी वैकेंसी हो जाएगी तो भैया ये वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली है तो बोर्ड ऑफ डाइटा फिल थो कर पाएगा सोल्यून यही है कि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करो अब रिटायरेड ए जी नहीं होता और रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होता वो ए में रिटायर नहीं होता कैजुअल वैकेंसी क्या होता अनएक्सपायर्ड टर्म तक जाता है और ये अपॉइंट हो जाता है वापस 160 में री अपॉइंट हो सकता है ठीक है कैजुअल वैकेंसी अलाइट ऑनली भी कैजुअल वैकेंसी तभी जब वैलिड अपॉइंटमेंट हो जाएगा भाई कैजअल वैकेंसी कैसे होगी वैलिड अपॉइंटमेंट होना चाहिए अब ड्यू टू टेन ईयर एंड डी अपॉइंटमेंट भैया टेन ईयर है ना टेन ईयर का नेक्स्ट आइटम है और डी अपॉइंटमेंट होता है वन सिक्सटी और वन सिक्सटी में होता है कि जो जो डायरेक्टर उधर रिटायर हो रहे हैं उसको री अपॉइंट करने के लिए एक सौ साठ नहीं लगता उसको रीअपॉइंट करने के लिए एक सौ साठ नहीं लगता उसके अलावा के लोगों को एक सौ साठ लगता है अगर हम देखें तो ठीक है कुछ एडिशनल डायरेक्टर की, की बात करें तो एडिशनल डायरेक्टर की बात करें तो भाई वही ये आर बी सी लगता है एडिशन डाइटर में टेन ईयर इसका टेन ईयर है के नेक्स्ट एरिया में है उसका तो सब्सिक्वेंट अप्रूवल इधर कैजुअल वैकेंसी में और पावर कन्फर्ट बाई आ उसमें लगता है इधर नहीं चाहिए और पावर कन्फर्ट बाई आर्टिकल पार्ट्स ओके तो पार्ट्स क्या है पावर पावर आर्टिकल से चाहिए आर बी सी पावर आर्टिकल से चाहिए भैया एडिशनल के लिए आर बी सी एडिशन में लगता है इधर नहीं, okay. तो नहीं लगता है टेन ईयर टेनियर की अगर हम बात करें तो टेनियर इसका जो है वो है अपना नेक्स्ट एजियम और कैजुअल वैकेंसी में जो है वन एक्स फाइटर में और एस से सब्सिक्वेंट अप्रूवल तो पार्ट्स हो गया ग्रेट ग्रेट ठीक है देखो कैजुअल वैकेंसी में एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते कैजुअल वैकेंसी में एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टेनियर वो टेनियर के कारण क्योंकि कैजुअल वैकेंसी का टेनियर अलग है एडिशनल डायरेक्टर का अलग है चलो अल्टरनेट डायरेक्टर की बात करें अल्टरनेट डायरेक्टर में भी क्या ई का ऑथराइजेशन चाहिए क्या अल्टरनेट डायरेक्टर देखो सिंपल बात है अल्टरनेट डायरेक्टर में भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करता है और अल्टरनेट डायरेक्टर कब अपॉइंट करेगा कि जब ओरिजिनल डायरेक्टर हाँ चले गया ठीक है तो डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट वन एब्सेंस फ्रॉम इंडिया तीन महीने उससे ज़्यादा है एबसेंस है ठीक है तो भाई गो आउटसाइड इंडिया तीन महीने उससे ज़्यादा ठीक है मूड मैटर नहीं करता भाई तू इंसाइड मूड कम था तो भैया वापस एक महीने में आ गया पर जो बाहर गया था तो, तो तीन महीने उससे ज़्यादा के लिए गया था ना तो बोर्ड मीटिंग आरबीसी से, से जो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं ठीक है थीके? डायरेक्टर नहीं करेगा ये ई डी वी डी ये सभी अपॉइंट नहीं करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिव बॉडी अपॉइंट करती है अल्टरनेट डायरेक्टर अगर हम देखें तो बी एम आर बी सी अल्टरनेट डायरेक्टर है अब क्या के लिए अपॉइंट कर स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और रिजॉल्व करना टू सॉल्व द क्वेरी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ठीक है वो बाहर चले गए और रिजॉल्व द कोरम प्रॉब्लम कोरम रिजॉल्व कर नहीं कोरम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको अपॉइंट किया ठीक है अब ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता प्रॉक्सी भी नहीं होता एजेंट भी नहीं होता ये टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में भी आता है और रोटेशनल डायरेक्टर में भी नहीं होता है ये अब इसका ऑफिस है कि जब वो इंडिया में आया ठीक है ही कैम बैक टू इंडिया ठीक है अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभी कैम बैक टू इंडिया अब देखो रॉबर्ट जो है अब्रॉड गया कम बैक टू इंडिया टेम्परेली एंड लीव्स कंट्री अगेन देन बिकमिंग अनेबल टू ट्रांजेक्ट अल्टरनेट डायरेक्टर वुड कंटिन्यू फॉर सच टेम्प्रेरी पीरियड तो कम बैक इंडिया टेम्परेरी अल्टरनेट डायरेक्टर वो कंटिन्यू रहेगा ना भले वो कैम बैक टू इंडिया आया पर वो टेम्प्रेरी आया फिर चले गया तो फिर भी अल्टरनेट डायरेक्टर तो कंटिन्यू रहेगा टेम्प्रेरी पीरियड के लिए क्या करें इंडिया आया हो थोड़ा तो सा रिसाइड करने के लिए इंडिया आ गया हो टेम्प्रेरी नहीं आया हो अब आ गया हो इंडिया में घूम के जो है तो मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी ठीक है तो वैकेंसी नहीं मानते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई तो वैकेंसी नहीं मानते डायरेक्टर सीज टू डिस्कलोज डायरेक्ट डिस्क्लोजर डायरेक्टर सीज टू बी डायरेक्टर अच्छा अगर ओरिजिनल डायरेक्टर अगर डायरेक्टर सीज टू बी डायरेक्टर ठीक है जैसे ओरिजिनल डायरेक्टर को जो है अब उसको रीअपॉइंट करा उसका टैनर खत्म हो गया तो ऐसा नहीं कि वो टेन डायरेक्टर भी ऑटोमेटिक री हो जाएगा तो उसको तो छोड़ना पड़ जाएगा इन एलिजिबिलिटी है कुछ सबसे पहले तो भैया आर्टिकल्स ऑथोराइजेशन तो चाहिए ठीक है तो, तो आर्टिकल्स ऑथोराइजेशन चाहिए और जनरल मीटिंग में ओ तो। आर तो या तो आर्टिकल्स ऑथोराइजेशन या तो भैया नहीं है तो भैया जनरल मीटिंग में ओ आर अगर ए ओ आई साइलेंट है तो बोर्ड अपॉइंट ही नहीं कर सकते तो ए वाई साइलेंट है तो बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकते पर पर फिर ऐसे केस में भैया ओ आर पास कर दो जनरल मीटिंग में ठीक है तो ये है तो आर्टिकल ऑफ ऑथराइजेशन या तो जनरल मीटिंग में ओवर फिर इन एलिजिबिलिटी की बात आ रही है कि डी वन और डी टू जो है दो दो डायरेक्टर के अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकते और एक का मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं तो किस कंपनी में डायरेक्टर हों ठीक है तो उस कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता तुम अल्टरनेट डायरेक्टर हो तो तुम डायरेक्टर नहीं हो और अल्टर अल्टरनेट डायरेक्टर हो तो अल्टरनेट देखो डायरेक्टर हो गया अल्टरनेट डायरेक्टर हो गया अल्टरनेट डायरेक्टर डायरेक्टर नहीं हो तो अल्टरनेट डायरेक्टर हो सकते हो अल्टरनेट डायरेक्टर हो तो इसी एक ही डायरेक्टर के अल्टरनेट डायरेक्टर हो ओरिजिनल डायरेक्टर इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट दस नॉट मीन कि अल्टरनेट डायरेक्टर भी इंटरेस्टेड है वही अपना कंसर्न कंपनी को देगा कंपनी डी आई में रजिस्ट्रार को देगी ठीक है अब ये अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया है एन के पर्पज में हु इज इंडेफिनेट देन वॉट विल बी द ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर वे ओरिजिनल डायरेक्टर डज नॉट रिटर्न इन इंडिया से थ्री फोर इयर्स तो अब अल्टरनेट डायरेक्टर का प्रोविजन क्या करेगा अब ओरिजिनल डायरेक्टर तीन चार साल से इंडिया में नहीं आया तो अल्टरनेट डायरेक्टर क्या करेगा तब तो तक हो रहेगा डायरेक्टरशिप ऐसा एस ओ वन सिक्सटी सेवन अच्छा अब वो तीन चार साल में नहीं आया ना ठीक है तो वन सिक्स ऑफिस ऑफ डायरेक्टर बिकम वेकेट बिकॉज ही हैवसेंट हमसे फ्राम दल द बोर्ड मीटिंग हेल्ड डरिंग द पेरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ ठीक है तो ऑन वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफिस अल्टरनेट डायरेक्टर वो भी वेकेट हो जाएगा पर अगर ओरिजिनल डायरेक्टर अटेंड करता है बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो डायरेक्टरशिप चलने तो भैया डायरेक्टरशिप चलने तो कोई दिक्कत नहीं अच्छा क्वेश्चन था कि जो है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ग्यारह है नॉमिनी दो डायरेक्टर है वो टोटल तो नंबर ऑफ डायरेक्टर में नहीं आते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं आता सेकेंड एजियम में फर्स्ट सेकेंड थर्ड को अपॉइंट किया और एक्सिलेंट ऑल्सोट एम डी और एक्सीलेंट को अपॉइंट किया एमडी फॉर फाइव फीय तो वन टू थ्री थर्ड एजियम में फोर फाइव को अपॉइंट किया और सब्सिक्वेंट टू थर्ड एडिशनल डायरेक्टर वन मोर डायरेक्टर अपॉइंट किया तो नॉमिनी दो डायरेक्टर है तो भैया टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर नाइन हो गए अब इसमें से वन टू थ्री का अपॉइंट किया थर्ड एजियम में फोर फाइव का अपॉइंट किया और थर्ड एजियम के बाद एडिशनल डायरेक्टर वन मोर डायरेक्टर अपॉइन किया वो भी एडिशनल डायरेक्टर है अब देखो अगर जो है अगर हम बात करें तो रोटेशन टू थर्ड होने चाहिए तो टू थर्ड कितने हुए हैं छः तो वन टू थ्री तो हो गए एक्सीलेंट भी हो गया और फोर फाइव भी हो गया ठीक है अगर हम बात करें तो रोटेशनल हो गए अपने छो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है जिसको अपॉन्ट कर दिया अब सोल एज्यूम टू बी एज्यूम करे सोल जो अपॉइंट हुआ है बट डाइड सोल को अपॉइंट किया था पर वो मर गया तो वो नॉन रोटेशन डायरेक्टर हमारा है क्योंकि रोटेशन डायरेक्टर बनाया तो फिर ऐसे कैसे कम हो जाता ना वो तो नॉन रोटेशन डायरेक्टर हमारा है सोल को एज्यूम हर कि वो नॉन रोटेशनल है तो फिर भी छः की छः की नीट तो पूरी हो रही है ठीक है फोर फाइव और एक्सीलेंट को भी अपॉइंट किया ना तो छः की मिनट तो पूरी हो रही है क्योंकि रोटेशनल है नॉन रोटेशन मैक्सिमम तीन होने चाहिए ठीक है तो एडिशनल है वन मोर है और कैजुअल है अब रिटायरिंग डायरेक्टर टू होने चाहिए तो रिटायर एज़ पर एल एम ठीक है एडिशनल डायरेक्टर तो रिटायरिंग डायरेक्टर है नहीं रेगुलर डायरेक्टर होंगे रिटायरिंग डायरेक्टर ठीक है और सारे डायरेक्टर एटलीस्ट टू बोला ना तो सारे डायरेक्टर हो सकते हैं रिटायर अब ये जो है वन टू थ्री देखो रिटायर कौन होगा वन टू थ्री होंगे अगर हम बात करें तो रिटायर कौन होने हुन वाला है वन सेकेंड रिटायर जो होंगे है वो वन टू थ्री होंगे ना वन टू थ्री में भी एलिमेंट ड्रॉप लॉट्स ठीक है जो लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस है म्यूचुअल कंसेंट और ड्रॉप लॉट ठीक है ये सब करते हुए बात करी थी बाकी नॉमिनी डायरेक्टर हमने पढ़ लिया है अल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया है कैजुअल वैकेंसी के रिस्पेक्ट में हमने देख लिया है स्मॉल शेयर होल्डर के डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में हमने देख लिया है ये सब चीज़ें जो है हमने पढ़ी अब जो है एक बार अलाइड लॉ वाला सेक्शन देख लेते हैं क्योंकि अपने जो है ये पार्ट वन के पोर्शन तो अपने ओवर कर दिए हैं फिर हम एक बार अलाइड लॉ वाला सेक्शन देख लेते हैं ठीक है अलाइड लॉ में फेमा और आई बी सी कॉम्पिटिशन ये सब हमको देखना है वो देख लेते हैं